सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं एक नए MCQ टेस्ट सीरीज को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल MCQ टेस्ट सीरीज चल रही है और कोशिश हम कर रहे हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के कालखंडों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को आपके सामने अधिक से अधिक लाया जाए, ताकि आप यह महसूस कर सकें, आप यह इसका अनुभव ले सकें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। प्राचीन भारत के कालखंड में हम चल रहे हैं। MCQ जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें प्राचीन भारत के प्रश्नों को फिलहाल आजकल उठाया जा रहा है और MCQ 15 तक हम पहुंच गए हैं। 15 टेस्ट सीरीज अब तक आपके सामने पेश किए जा चुके हैं वीडियो के माध्यम से। आज हम कोशिश करेंगे कि MCQ 15 नंबर के सीरीज का उत्तर आपके सामने रखें और फिर नेक्स्ट MCQ 16 नंबर की सीरीज की ओर हम आगे बढ़ें। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सभी विद्यार्थी गणों से, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, परमानेंट सब्सक्राइबर बने रहें, ताकि जब भी MCQ टेस्ट सीरीज की कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, या भविष्य में जब भी लाइव क्लासेस चलें तो फिर इसकी भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं MCQ 16 की तरफ। लेकिन इससे पहले, जैसा कि हर बार होता आया है, MCQ 16 नंबर की सीरीज को लाने से पहले हम आपके सामने MCQ 15 नंबर की सीरीज के आंसर शीट को आपके सामने रखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर MCQ 15 नंबर की सीरीज के आंसर शीट दिख रहे होंगे। एक तरफ प्रश्न है जो MCQ 15 नंबर की सीरीज में पूछे गए थे, एक तरफ आंसर सेट है। आप अपने उत्तरों का मिलान इस आंसर सेट से कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी आपके सामने इन उत्तरों को रख देते हैं। पहला सवाल था MCQ 15 में भारत में प्रचलित पहला सिक्का कौन था। सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर है, आहत सिक्का, जिसका कोई शेप नहीं होता था, जिसका कोई आकार नहीं होता था, आहत सिक्का उसको कहा जाता है, पंच मार्ग क्वाइन। दूसरा सवाल था हरिशेण किस शासक का दरबारी कवि था। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी समुद्रगुप्त। तीसरा सवाल था MCQ 15 में कि निम्नलिखित में से कौन अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है। बहुत पॉपुलर पुस्तक का नाम है, यह कालिदास की लिखी हुई रचना है। तो आपका सही उत्तर है बी। चौथा सवाल था हितोपदेश के लेखक कौन हैं। बहुत पॉपुलर पुस्तक है बच्चों के लिए, स्पेशली एंशिएंट पीरियड की। तो नारायण पंडित आपका सही उत्तर होगा बी। नारायण पंडित जो है हितोपदेश के लेखक हैं। पांचवा सवाल था किस गुप्त राजा को 100 युद्धों का नायक कहा गया है। तो सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक युद्धों का एक श्रृंखला, युद्धों की एक श्रृंखला चलाई थी, पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था उसने, और इसीलिए इतिहास में उसे 100 युद्धों का नायक कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ए। छठा प्रश्न था पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम में थी, कांची प्रमुख शहर था और वो राजधानी भी हुआ करती थी पल्लव राजवंश की। प्राचीन राजधानी कांचीपुरम ही मानी जाती है। आपका सही उत्तर होगा डी। सातवां प्रश्न है हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था।
चार ऑप्शन दिए गए थे, हर्षवर्धन मूलतः बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो आपका सही उत्तर होगा ए। आठवां सवाल था किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन चार विकल्पों में से गुप्त राजवंश का जो कार्यकाल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। नवां सवाल था कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी, तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम था दंती दुर्ग, तो आप नवा का जो सही उत्तर है वो ए होगा। दसवां सवाल था त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वास्तव में स्टार्टिंग में प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासकों ने किया था, तो आपका सही उत्तर होगा ए, दसवां का ए। ग्यारहवां सवाल था तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है, बहुत पॉपुलर पुस्तक है तेलुगु साहित्य की, बहुत पॉपुलर कृति मानी जाती है, कृष्णदेव राय ने इसकी रचना की थी, तो 11 का सही उत्तर आपका होगा डी। 12वां सवाल था भारत सरकार द्वारा किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते लिया गया है, ये बहुत पॉपुलर वाक्य है और इसका सही उत्तर है मुंडोपनिषद, यानी 12वां का बी उत्तर सही होगा। 13वां सवाल था यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, स्पेशली जब आप अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में चार राज्य थे जिसमें पहला था यादव राजवंश, तो यादवों की राजधानी जो थी वो देवगिरी थी, तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। 14वां सवाल था निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया, कश्मीर राजवंश पर शासन करने वाले जो शासक थे उसमें बहुत सारे राजवंश थे, कारकोट राजवंश कश्मीर का ही राजवंश था, उत्पल राजवंश भी कश्मीर का ही शासन कश्मीर पर ही शासन करने वाला राजवंश था, लोहार राजवंश बहुत पॉपुलर राजवंश माना जाता है कश्मीर का, सेन राजवंश जो था वो वहां का नहीं था बल्कि ये बंगाल का राजवंश माना जाता, बंगाल में इनकी सत्ता थी, तो किस वंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया, तो आपका सही उत्तर होगा डी, यानी सेन राजवंश। और 15वां और अंतिम सवाल था किस राजवंश ने विख्यात एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो सभी जानते हैं कि एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने करवाया था, तो आपका सही उत्तर होगा सी। तो इस तरीके से MCQ 15 के आंसर शीट आपके सामने रख दिए गए और आप इसी के अनुरूप आप अपना इवेल्यूएशन कीजिए, आप अपनी प्रगति को आंकी, आप स्वयं अपना इवेल्यूएशन कीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। दोस्तों अब हम चलते हैं MCQ 16 की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम पहुंच रहे हैं MCQ 16 की तरफ, और यह सीरीज जो है प्री मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे प्रश्न आपको पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास से आपको मिलेंगे इस सीरीज के अंतर्गत। 15 सवाल यहां पर भी दिए गए हैं, इन 15 सवालों के उत्तर के क्रम में चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूर्व की भांति आपको हम तक पहुंचाना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं MCQ 16 की तरफ। पहला सवाल है MCQ 16 का, किस राष्ट्रकूट शासक या शासकों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। चार ऑप्शन है ध्रुव गोविंद तृतीय इंद्र तृतीय और उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल है थोड़ा इस बार का सीरीज जो है मेरी समझ से कठिन है आप लोगों के लिए, और ये प्रश्नों की जो सीरीज आपके सामने रखी जा रही है सिविल सर्विस में पूछे जाने वाले प्रश्नों को उठाया है मैंने, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इससे आपकी आपको ये समझ में भी आएगा कि आपकी तैयारी का जो स्टैंडर्ड है वो कितना बेहतर है। MCQ 16 का दूसरा प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीन प्रतिद्वंदी शक्तियों गुर्जर प्रतिहार पालों और राष्ट्रकूटों का प्रायः एक ही साथ पतन हुआ, क्योंकि चार स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से किसी एक सही विकल्प का चयन करना है। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी, अपनी सैनिक शक्ति को बनाए रखने के लिए इन तीनों के राजस्व साधनों पर अत्यधिक दबाव था, कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर हुए संघर्ष में वे अपने समस्त सामंतों पर ध्यान नहीं रख पाए,
और उपरोक्त सभी। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है एमसीक्यू 16 का, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की लगातार पराजय के क्या कारण थे? तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों के लगातार पराजय के क्या कारण थे? चार ऑप्शन है, भारतीय शासक द्वारा मुस्लिम आक्रमण के दूरगामी परिणामों को न समझ पाना, तुर्की सेना के पास एशियाई नस्ल के अच्छे घोड़ों वाली अश्व सेना का होना, तुर्कों द्वारा प्रयुक्त रणनीति भारतीय रणनीति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, और चौथा विकल्प है उपरोक्त तीनों यानी उपरोक्त सभी। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। एमसीक्यू 16 का चौथा प्रश्न, दक्षिण भारत के अलवारों और नैनारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दक्षिण भारत में शैव संत और वैष्णव संत को अलवार और नैनार के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्पों में से एक का चयन आपको करना है। वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे, वे धर्म को ईश्वर तथा भक्त के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत बंधन मानते थे, उन्होंने सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया, वे जातिगत असमानता के विरोधी थे। चार में से किसी एक उत्तर का चयन कीजिए। पांचवा सवाल है आपके सामने एमसीक्यू 16 का स्क्रीन पर, तंत्रवाद से निम्न में से कौन प्रभावित हुआ? तंत्रवाद से निम्न में से कौन प्रभावित हुआ? चार नाम दिए गए हैं, जैन, बौद्ध, शक्ति और नाथपंथी। इन चारों में से कौन तंत्रवाद से, तंत्र मंत्र विद्या से प्रभावित हुआ आपको बताना है। जैसे ए केवल ए, बी केवल दो, सी एक दो तीन, और डी विकल्प है जिसमें दो तीन और चार को शामिल किया गया है, तो इनमें से आपको चयन करना है। छठा प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, एक तरफ राज्य वंश के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके शासकों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं, और फिर आपको सुमेलित करते हुए आंसर का चयन करना है। कलचूरी वंश दुर्लभ वर्धन, कारकोट वंश अवंती वर्मन, उत्पल वंश संग्राम राज, लोहार वंश को कल प्रथम, और इस तरह से आपको सुमेलित करते हुए आपको ए बी सी डी में से उत्तरों का चयन करना है, आंसर का चयन करना है। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं, एमसीक्यू 16 का सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है, पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति किसके हाथ में केंद्रित थी? पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति किसके हाथ में केंद्रित थी? चार ऑप्शन है, भू बिचौलिया, राज परिवार, सामंत वर्ग और उपरोक्त सभी। जो तीनों विकल्प दिए गए ऊपर के वो सभी भी शामिल है। एमसीक्यू 16 का आठवां प्रश्न, भारत में आने वाला वह कौन सा अरब यात्री था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? भारत में आने वाला वह कौन सा अरब यात्री था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? चार ऑप्शन है, असमसर, अल बरूनी, अल हज्जाज और अल मंसूर। इन चार में से किसी एक उत्तर का चयन करना है। आज के श्रृंखला का नवा प्रश्न, भारत आकर बसने वाले अरब लोगों ने इस्लामी जगत और यूरोप में किस विचार से भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में भूमिका का निर्वहन किया?
भारत आकर बसने वाले अरब लोगों ने इस्लामी जगत और यूरोप में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में भूमिका का निर्वाह किया? चार ऑप्शन आपके सामने। भारत से व्यापार और वाणिज्य के द्वारा, भारतीय ज्ञान और साहित्य के ज्ञान से, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप तभी समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा इस तरह के इतिहास को आप डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दसवें प्रश्न की ओर चलते हैं। MCQ 16 के दसवें प्रश्न की ओर। कथन और कारण दिए गए हैं, आपको कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए, 800 से 1200 ईस्वी का जो कालखंड है वो राजपूत काल कहा जाता है, और कारण का जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस काल में अधिकांशतः शासक राजपूत थे। अब आपको इन चार विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की समुचित व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की समुचित व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और अंत में ए गलत है परंतु आर सही है। इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू 16 का 11वां प्रश्न। गंगईकोंड की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक ने धारण की थी? गंगईकोंड चोलपुरम पूरा टाइटल था। इस उपाधि को निम्नलिखित में से किस शासक ने धारण किया था? चार ऑप्शन आपके सामने। राज राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विक्रम चोल, राजेंद्र द्वितीय। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। चोल कालीन प्रशासन की सर्वाधिक मुख्य विशेषता क्या थी? चोल कालीन प्रशासन की सर्वाधिक मुख्य विशेषता क्या थी? थल सेना, केंद्रीय सेना, राजस्व, या स्थानीय स्वशासन? इन चार में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। एमसीक्यू 16 का 13वां प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? चार ऑप्शन है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, सबुकतुगीन और मोहम्मद गोरी। इन चार में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। बहुत आसान प्रश्न है। एमसीक्यू 16 का 14वां प्रश्न। महमूद गजनबी ने मथुरा पर आक्रमण कब किया? महमूद गजनबी ने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए थे, भारत के विभिन्न शहरों पर। आपको बताना है कि उसने मथुरा पर आक्रमण किस वर्ष किया था। चार ऑप्शन है, 1018, 1026, 1014, 1006। और आज के एमसीक्यू यानी एमसीक्यू 16 का 15वां और अंतिम सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। कुतुबी, अल बरूनी, फिरदौसी, मिन्हाज उस सिराज। तो ये 15 प्रश्न है आज के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 16 के ये 15 प्रश्न है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप बेहतर तरीके से हल करेंगे और इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से देंगे। तो आज के लिए दोस्तों हमें यहीं इजाजत दीजिए, और जैसा कि हर बार आप अपने उत्तरों का चयन कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं चयन करके, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर को कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं 15 प्रश्नों के साथ हमें इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वेरी वेरी थैंक्स।